आज हम चर्चा कर रहे हैं कि चैत्र का महीना किस तरीके से आपके जीवन में सुख को और बढ़ा सकता है, परेशानियों को दूर भगा सकता है। पंडित जी, चैत्र के महीने में आपने बताया कि बड़े पर्व आते हैं, नवरात्रि आती है, रामनवमी आती है, तो इस महीने में क्या विशेष पूजा उपासना करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए? अब हर महीने के स्वामी देवता भी होते हैं या देवी होती हैं, और हर महीने में कुछ विशेष पूजा करके आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर हम चैत्र के महीने की बात करें तो आपको पहले ही बताया कि वासंतिक नवरात्र इसी महीने में आता है, इसलिए इस महीने में सूर्य देव और देवी की उपासना लाभदायक होती है। चैत्र के महीने में भगवान सूर्य की पूजा करें और देवी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। नाम और यश चाहते हैं, पद और प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इसके लिए सूर्य देव की उपासना करिएगा, बढ़िया रहेगा। शक्ति और ऊर्जा के लिए देवी की उपासना करिएगा। इस महीने में लाल फलों का दान करना अच्छा रहेगा और नियमित रूप से वृक्षों में, पेड़ पौधों में अगर आप जल डालें तो आपका कल्याण होगा। एक बात आप ये जरूर समझ लीजिए कि चैत्र के पूरे महीने में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कवच कीलक अर्गला का पाठ करें, देवी के सिद्ध मंत्र का पाठ करें या दुर्गा चालीसा ही पढ़ें पूरे चैत्र के महीने में, तो देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी और देवी की कृपा से आने वाले समय की तमाम मुश्किलों से आप निपट सकेंगे, तमाम मुश्किलों से आप बाहर आ जाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं चैत्र का महीना कितना महत्वपूर्ण है, कैसे आप चैत्र के महीने में कुछ विशेष प्रयोग करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं चैत्र के महीने का। पंडित जी बहुत विस्तार से इस पर बता रहे हैं। पंडित जी, एक सवाल उठता है कि चैत्र के महीने में हमारा नया विक्रम संवत शुरू होता है, इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है और इसका लोगों पर क्या असर होता है, कैसे लोग इसका लाभ उठाएं? प्रवीण जी, जो भारतीय या हिंदू नव संवत शुरू होता है वो शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, यानी हिंदू नववर्ष जो है वो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आरंभ होता है। और बड़ी अनूठी बात है कि जब नव संवत की शुरुआत होती है तो ज्योतिष में एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है कि इस संवत का राजा कौन, मंत्री कौन, सेनापति कौन, वित्त मंत्री कौन, कृषि का स्वामी कौन, और इसके आधार पर आने वाले साल की गणना की जाती है कि आने वाला वर्ष पूरे देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ नव संवत पर जब कुंडली बनती है नव संवत की, तब ये गणना हो जाती है, तब ये गणना कर ली जाती है कि अगले एक साल में देश दुनिया में किस किस तरह के परिवर्तन होंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हिंदू नववर्ष वैसे भी महत्वपूर्ण है और नववर्ष के साथ हम आने वाले समय को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ सामान्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए? देखिए, हनुमान जी की जो सबसे प्रसिद्ध स्तुति है वो हनुमान चालीसा है, जो सब पढ़ते हैं, संकट मोचन हनुमानाष्टक है, उसके बाद आता है बजरंग बाण। बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दे करके काम करने के लिए बाध्य किया गया है, यानी हनुमान जी से प्रार्थना नहीं की गई है बल्कि बजरंग बाण में हनुमान जी के ऊपर दबाव बनाया गया है। इसीलिए वैसे तो बजरंग बाण पढ़िए ही मत,
क्योंकि आप दबाव बना करके अपनी बात मत कहिए। आपका संबंध वैसा नहीं है कि आप दबाव बना सकें, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। इसीलिए सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण मत पढ़ें। हाँ, अगर कोई जीने मरने का प्रश्न है, कोई बड़ी मुश्किल आ गई है, नहीं निकल पा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा है, चारों तरफ अंधकार है, तब बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग रेगुलर पूजा में सुबह शाम दोनों समय बजरंग बाण पढ़ते हैं, ये सब मत करिए। रेगुलर पूजा में रेगुलरली बजरंग बाण का पाठ करना सही नहीं होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।